प्रोजेक्ट विच वॉज सेंक्शन आज मिथिलांचल में बहुत इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है नॉर्थ बिहार को और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी देने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ है। ये प्रोजेक्ट है 256 किलोमीटर का नरकटियागंज रक्सौल सीतामढ़ी दरभंगा, नरकटियागंज रक्सौल सीतामढ़ी दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर। आने वाला समय छठ का समय है तो आप सबको बहुत अग्रिम शुभकामनाएं दीपावली और छठ की। और इसमें आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है कैबिनेट में एक बहुत लंबे समय से जो उत्तर बिहार के हमारे सभी साथियों की जो ड्रीम थी उस ड्रीम प्रोजेक्ट को आज अप्रूव किया गया है। इस प्रोजेक्ट में करीब करीब 40 के आसपास तो बड़े ब्रिजेस हैं, 40 एग्जैक्ट नंबर देता हूं मैं आपको। बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है ये और आपको देता हूं एग्जैक्ट नंबर्स। और इसमें बेसिकली आप देखोगे आगे वाले पेज पे आप देखोगे नेपाल के बॉर्डर के साथ साथ ये जो रेड कलर में दिखाई दे रहा आपको नरकटियागंज, आप देखिए नेपाल गंडक रिवर के ऊपर वाला हिस्सा देखिए, इसमें नरकटियागंज से रेड कलर में आपको दिखाई देना चालू होगा ये कंप्लीट कॉरिडोर नरकटियागंज रक्सौल सीतामढ़ी, सीतामढ़ी से नीचे आने पे मुजफ्फरपुर और ईस्ट में जाने में दरभंगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को डबल रेलवे लाइन बनाया जाएगा और दिस विल बिकम लाइक अ मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, बड़ा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनेगा अलोंग द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड नेपाल। नॉर्थ बिहार मिथिलांचल के सभी निवासियों को बहुत अच्छी रेलवे कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, आप देखो ये सारे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यहां पर सिलीगुड़ी के आगे सब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को आज जो ये पर्पल में दिखाई दे रहा आपको हाजीपुर पटना ये दिखाई दे रहा है एग्जिस्टिंग कॉरिडोर, इस कॉरिडोर के पैरेलल एक नया कॉरिडोर मिलेगा ट्रांसपोर्ट का जो कि सिलीगुड़ी, अभी आप सिलीगुड़ी से अगर ऊपर की तरफ देखना चालू करो ये यहां पे अलुआबारी रोड जंक्शन लिखा हुआ है, ठाकुरगंज लिखा हुआ है, ठाकुरगंज से अररिया कोट, अररिया कट फोरबेसगंज, वहां से हमारा सरायगढ़ राघोपुर आते हुए दरभंगा, ये सारा कॉरिडोर और आगे दरभंगा से टूवर्ड्स नरकटियागंज रक्सौल सीतामढ़ी रास्ते में आते हुए फिर मुजफ्फरपुर से जोड़ते हुए और आगे जाके गोरखपुर में मिलना, ये कंप्लीट बड़ा एक ट्रांसपोर्ट का कॉरिडोर बन रहा है जो आज अप्रूव हुआ है। और ये कॉरिडोर पूरे के पूरे उत्तर बिहार मिथिलांचल नॉर्थ ईस्ट उत्तर प्रदेश के कई जिले इन सब के लिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट का साधन होगा। जो जिले इससे कवर हो रहे हैं उनके नाम मैं बोलता हूं आपके लिए, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, ये सब जिले इससे कवर होते हैं। ये प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और हमारे कई बड़े हमारी संस्कृति की पहचान के कई बड़े सेंटर्स को ये प्रोजेक्ट जोड़ता है, अयोध्या जी को जोड़ेगा मां जानकी के जन्म स्थान से, राइट, और काठमांडू की कनेक्टिविटी इससे आती है, जनकपुर की कनेक्टिविटी आती है और लुम्बिनी की कनेक्टिविटी इससे आती है, यानी हमारे सांस्कृतिक इतिहास की जो बहुत बड़ी हमारी सभ्यता के बहुत बड़े जो सेंटर्स हैं उन सेंटर्स को ये रेलवे लाइन जोड़ती है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है,
4553 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, 4553 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट, 4553 करोड़, 256 किलोमीटर्स, 87 लाख ह्यूमन डेज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा इसमें काम के दौरान, एंड 162 करोड़